मिली अपनी बहन से? जी मिली है, ठीक ठाक है। सारा बताओ इन्हें क्या क्या ड्रामे किए हैं उसने यहाँ आने के बाद। आपको पता तो है कि जब भी उसे दौरे पड़ते हैं तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। देखो सारा, दौरे तो उसको कभी कभार पड़ते हैं, वैसे तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अब तो आप लोग यही कहेंगे ना। बहरहाल नायला, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, अगर ये लड़की एक हफ्ता यहाँ रहेगी तो एक हफ्ता तुम्हारे पास, इसी तरह चलेगी ये गाड़ी। वरना 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 क्या? वरना उसे मैं तुम्हारे पास भेज दूंगी। ये कैसी बात कर रही हैं आप? जो तुम सुन रही हो। मैं समझा नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आखिर आप लोगों को भी तो इस मामले में कॉपरेट करना चाहिए। देखो सारा, वो अगर दोनों घरों में आती जाती रहेगी ना तो इस घर से मानूस नहीं हो सकेगी। मुझे तो आपके रवैये पे हैरत हो रही है। पहले तो आपका दामाद हमारी हर बात में हाँ हाँ कर रहा था, और अब एक बात आप ज़हन में रखें कि नाजिया का हक मेहर कितना है। 30 लाख का बंदोबस्त मैं कर लूंगी। मगर आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्यों सोच रहे हैं? मेरा एक ही बेटा है, मैं माँ हूं उसकी। उसकी शादी के लिए मेरे दिल में भी बड़े अरमान थे, दूसरी माँ की तरह। अब उसे इस तरह मैं परेशान देखती हूँ तो जो क्यामत मेरे दिल पर गुजरती है उसका अंदाजा सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मेरा भी एक ही भाई था, हमारे दिल में भी उसके लिए बहुत सारे अरमान थे। अभी उसने देखा ही क्या था इस दुनिया में, वक्त से पहले चला गया। उसके जाने से जो मेरे दिल पे क्यामत गुजरी है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। देखे शहजाद जिंदा तो है। माशाल्लाह, मगर ये क्या जिंदगी है? मेरा फूल जैसा बेटा मुरझा कर रह गया। बस आप लोग इस बारे में सोचें जो मैंने आपसे कहा है। हमने जो सोचना था वो सोच लिया। नाजियाबा आपकी जिम्मेदारी है। चलो मजीद। इस मुसीबत में फंसा दिया मैंने अपने बच्चे को। सर जी, बिलाल है लाइन पर। क्या बताना है? आप हुक्म करें। प्रयागराज बात है, आज खुल के बात ही कर लेते हैं उससे। हेलो, कहाँ है मेरा भाई? और यार मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ। लगता है भाईजान आप नाराज हो गए। कल आपका उठ के जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। नहीं मेरे भाई, मैं तो दफ्तर में बैठा हूँ। आजा जरा खुल के बात कर लेते हैं आज। आजा। ठीक है। हाजी सर जी, मुकाए लटकाने का क्या फायदा? जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं जी। खुदा हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चला गया था सुबह सुबह? रात भी तू देर से आया। तेरे ससुराल ही आए थे जी, मुझे बताया था सुबह सुबह। अच्छी खासी तबीयत साफ की है मैंने उनकी, लेकिन बड़े ही कोई ढीठ लोग हैं। जाहिर सी बात है अम्मी, जैसे जफर था वैसी उसकी बहन होगी। मैंने तो उन्हें साफ साफ कह दिया कि इस तोहफे को कभी कभी हफ्ते में एक दो बार ले जाया करें अपने साथ। वो हमारे पुराने मोहल्ले वाले मुफ्ती साहब है ना,
उनसे मैंने बात की है और अब कल वकील साहब से भी बात करूंगी। कैसी बात? बताऊंगी, पहले जरा बात हो जाए। अच्छा तू बता, नाश्ता करेगा? लगाऊं नाश्ता? नहीं अम्मी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अच्छा ये बताएं, वो सो रही है? हाँ सो रही है, इंजेक्शन लगा है उसे, बहुत चीख रही थी आज भी। इस उम्र में आपको आराम पहुंचाने की बजाय एक नई टेंशन घर ले आया हूँ मैं, आपकी जिंदगी का सुकून बर्बाद करने के लिए। तेरी माँ को तो अब नित नई मुसीबतें बर्दाश्त करने की आदत हो गई है। निकालेगा मुझे वो इन मुसीबतों से भी। बहुत दर्द हो रहा है अम्मी पूरे जिस्म में, बहुत दिनों बाद गेम शुरू की है ना। अभी एकदम से मैच वैच खेलना मत शुरू करना, पहले कोई हल्की पुल्की एक्सरसाइज कर। जी गलती होगी मुझसे, अब ऐसे ही करूंगा। अब ये क्यों चीख रही है? जाओ देखो जरा उसे, अब क्या की गया? मैं देखती हूँ, जाग गई होगी सोते सोते, या तो सोती है या फिर चीखो पुकार करती। नहीं अम्मी आप बैठे, मैं देखती हूँ, तुम नई मुसीबत आ गई हमारी जिंदगी में।